महाराष्ट्र के ठाणे से एक ऐसी खबर आ रही है जो आपके होश फक्ता कर देगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 करोड़ रुपए का जखीरा बरामद किया है, वो भी नकली नोटों का। इन नकली नोटों की खेप को देखकर खुद क्राइम ब्रांच के अफसर हैरान हैं और जानने में लगे हैं कि आखिर ये कहां सप्लाई किए जाने थे। पुलिस ने इन नोटों के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बताते हैं आपको पूरा मामला, लेकिन पहले नजर डालिए नकली नोटों के जखीरे पर। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के ठाणे क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों पालघर के ही रहने वाले हैं। इससे जुड़े अन्य आरोपियों की अभी तलाश जारी है। पुलिस लगातार इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ठाणे अपराध शाखा ने नकली नोट छापने वाली एक गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में 2000 रुपए के जाली नोट बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक 8 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के जाली नोट जब्त किए गए हैं। पता चला है कि इन नोटों को बाजार में उतारने की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिल गई। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 52 साल के राम शर्मा और 55 साल के राजेंद्र राउत के रूप में की है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी पालघर के रहने वाले हैं और नकली नोटों को बाजार तक पहुंचाने का काम यही करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये बाजार में उतर जाते तो कितने लोग इनका शिकार बनते। नकली नोट छापने वाले इस गैंग के पास से पुलिस ने 2000 के नकली नोटों वाले 400 बंडल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर नकली नोट छापने वालों का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। पुलिस के मुताबिक बाजार में 2000 रुपए के नोटों की कमी को देखते हुए जालसाज इसका फायदा उठाना चाह रहे थे और बाजार में अपने इस काम को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे। नकली नोट मिलने की ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें एसटीएफ ने शहर में फूफा और भतीजे को जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया था। इनके पास से 1,95,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।